फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ टाटा नेक्सॉन्स। टुडे आई हैव थ्री नेक्सॉन्स, एक ये नेक्सॉन, एक ये रहा और एक नेक्सॉन वहाँ खड़ी है। अच्छा, ये दोनों नेक्सॉन ये और ये तो है BS6 और वो है BS4। मैं तीनों नेक्सॉन को कवर करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, मैं तीनों नेक्सॉन के अंदर जो किट लगा रहा हूँ, दिस इज मोटोजैन BS6। देखो, किट डजंट मैटर, मैं बार बार कहता हूँ, किट कोई भी लगाओ। What matter is the dynamic advancer? What matter is the बिना होल की इंजन में गैस इनलेट? ये सब जरूरी है भाई। तीनों मोड काम करेगा, टर्बो काम करेगा, पता नहीं लगेगा गाड़ी पेट्रोल है CNG है। आपका कपलर टू कपलर वायरिंग, ये सब डब्बे में नहीं आता। आपका गैस फिल्टर किट आपका मोटोजेन का है, फिल्टर आपका लबेटो का है, और आपका वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में है, प्रॉपर स्लीव्ड, सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में है। और आपका जो है कूलेंट कनेक्शन, ये सब डब्बे में नहीं आता। एक पाइप यहाँ से, एक पाइप यहाँ से। जो किट लगाया हमने मोटोजेन का लगाया, ये आपका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी, डायरेक्टली सिलेंडर पे जाएगा। इनका साइड फिलिंग वाल्व दिया हूँ, यहाँ से कोई नहीं डलवाएगा, साइड से ही डलवाएगा जहाँ से पेट्रोल डलता है। ये आपका रिड्यूसर है डबल स्टेज का, ये आपका फिल्टर है, ये आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, ये आपका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा काम किया हूँ इसके अंदर, आपका डायनेमिक एडवांसर लगाया, ये लगने के बाद भाई मेरा चैलेंज है गाड़ी पेट्रोल और पेट्रोल से भी बेहतर। बिना होल की इंजन में गैस इनलेट दिया हूँ, गैस वहीं से जा रहा है जहाँ से पेट्रोल, बिना कोई छेद किए। और ये कपलर टू कपलर, सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग, और ये आपका जो है कूलेंट कनेक्शन, ये सब डब्बे में नहीं आता भाई, कूलेंट कनेक्शन। और आपका वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में। ये दूसरी नेक्सॉन है, यहाँ आओ मैं दिखाता हूँ। मैं ये भी BS6 है, ये सोनीपत से आई है गाड़ी, वो गाड़ी मेरे पास दिल्ली नंबर है, ठीक है, ये सोनीपत नंबर है। यहाँ से फिलिंग होगा गैस, डायरेक्टली सिलेंडर, इनका साइड वाल्व भी है वो भी दिखाऊंगा, रिड्यूसर है, ये आपका ECM है 32 पिन का जो आता है, ये आपका फिल्टर एक्स्ट्रा लगाया, क्वालिटी मेरा वही है, आपका इंजेक्टर है। और ये आपका जो है मेन काम, आपका डायनेमिक एडवांसर, मेन काम आपका बिना होल की इंजन में गैस इनलेट, मेन काम आपका कपलर टू कपलर सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग, मेन काम आपका कूलेंट कनेक्शन, जो मेरा क्वालिटी है जो नेक्सॉन में देता हूँ, एक पाइप यहाँ से, एक पाइप यहाँ से। और सबसे मेन काम सेफ्टी, आपका वायरिंग देखो आप, ये सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में प्रॉपर स्लीव जा रहा है, प्रॉपर सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में प्रॉपर स्लीव। दोनों गाड़ी के अंदर साइड फिलिंग वाल लगाया हूँ मैं यहाँ दिखाता हूँ मैं, आइए। ये आपका साइड फिलिंग वाल जो है, जहाँ से पेट्रोल डलता है वहीं से आप गैस डलवाओ, जेन्युइन वेग कंपनी का वाल्व है, यहाँ से गैस डलवाओ, आगे भी ऑप्शन है। सिलेंडर इसके अंदर जो है 12 kg का सिलेंडर लगाया है, स्टेपनी आपका नीचे है, आराम से निकलेगा। और जो स्टैंड का क्वालिटी है मेरा, मोल्डेड पाइप स्टैंड रबर ग्रिप के साथ, जैसे कंपनी फिटेड में आता है। ये स्टैंड आपका जो है ब्रॉडर शीट में दिया, नीचे पैडिंग दिया हूँ मैं, उसी साइज़ का पैडिंग है। जो नट बोल्ट है आपका TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है, एक बार फिक्स हो जाता है, ये लूज़ नहीं होता। डक्टिंग अभी क्लैंपिंग करूँगा, अभी गैस डला नहीं है, एक बार गैस डलेगा, लीकेज चेक करूँगा, फिर डक्ट क्लैंप करूँगा। तो ये है भाई नेक्सॉन। दूसरा नेक्सॉन, इसके अंदर भी हमने साइड फिलिंग वाल्व दे रखा है, यहाँ से गैस डलवाओ, बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर भी सिलेंडर आपका 12 kg का सिलेंडर है। जो स्टैंड का क्वालिटी है मेरा, वही आपका ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड, ब्रॉडर शीट इसलिए दिया है ताकि सिलेंडर का वजन सह पाए। अगर नैरो शीट होगा तो बॉडी क्रैक होने का संभावना है। ये ब्रॉडर शीट में है, मोल्डेड पाइप स्टैंड रबर ग्रिप के साथ, TVS नायलॉन लॉक नट बोल्ट, डक्टिंग, ये डक्टिंग अभी क्लैंपिंग करूँगा भाई, सारा काम। ये तीसरा नेक्सॉन है, ये नेक्सॉन है BS4 HR26 गुड़गांव नंबर है इनका, RC पे हम चढ़ा के देंगे। लेकिन भाई BS4 हो या BS6 हो, जो क्वालिटी है वो सेम है। ये आपका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी, डायरेक्टली सिलेंडर पे जाएगा, ये रिड्यूसर है, ये ECM है, ये आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, ये आपका इंजेक्टर है। जो काम BS6 में किया हूँ वही काम इसमें किया हूँ। आपका डायनेमिक एडवांसर है, आपका बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट, गैस वहीं से जा रहा है जहाँ से पेट्रोल, बिना कोई छेद किए। ये नेक्सॉन में ही केवल कामयाब है, बाकी सभी गाड़ियों में छेद होता है। कपलर टू कपलर फिटिंग है, सॉकेट टू सॉकेट, कूलेंट कनेक्शन करके दिया हूँ, एक पाइप यहाँ से और एक पाइप नीचे से। इसका फ़ायदा हमेशा बताया हूँ मैं आपका, एक तो टेम्परेचर सेंसर वहीं लगेगा जहाँ लगा होना चाहिए, इससे एवरेज भी इम्प्रूव होता है।
फिल्टर आपका लवेटो का लगाया हूँ, क्वालिटी वही है, BS4 हो BS6 हो, जो क्वालिटी है मेरा वही है। साइड वाल लगा के दिया, आइए दिखाता हूँ मैं, बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से गैस डलवाओ, कंप्लायंस प्लेट यहाँ लगा दिया, यहाँ डेट चेक करेंगे गैस देंगे। इस पर जो सिलेंडर लगाया अपना 12 kg का सिलेंडर लगाया, जो स्टैंड का क्वालिटी मेरा वही, ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड, रबर ग्रिप के साथ, TVS नायलॉन लॉक, नट बोल्ट डक्टिंग। चलो अब तीनों गाड़ी लेके चलते हैं, एक बार CNG डलवाते हैं और तीनों गाड़ी की रिव्यू लेके दूंगा, मज़ा आएगा। सो टुडे आई हैव 3 नेक्सॉन, ये पहली नेक्सॉन है, इनका फिलिंग मैंने साइड में दे रखा है। द कार हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम HR10 सोनीपत, इनका पेपर फाइल मैं बना के हरियाणा से दे दूंगा, RC पे खुद चढ़ा लेंगे, पेपर मेरा जेन्युइन किट जेन्युइन, कोई दलाल लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाओ जो फीस है 500-600 रुपये वही लगेगा। जो सिलेंडर लगाया इसमें 12 kg का लगाया, और गैस लगभग 8-8.5 kg गैस आएगी। देखो गर्मियों में गैस थोड़ी कम आती है कंपेयर टू विंटर, विंटर के अंदर आपको 9 भी आएगा 9.5 भी आएगा। और ये गाड़ी भाई तीनों मोड, आपका इको हो, आपका सिटी हो, स्पोर्ट्स हो, तीनों मोड एक नंबर काम करेगा, जैसे पेट्रोल पे कर रहा है, और आपका 2000 RPM के बाद आपका टर्बो भी काम करेगा, गाड़ी चला के मज़ा आ जाएगा। बस ध्यान रखने वाली जो बात है, मैं हमेशा जो कहता हूँ, लगभग पौने आठ किलो ऐसा ही है, ध्यान रखने वाली जो बात है, जो हमेशा कहता हूँ कि भाई 8000 किलोमीटर होते ही इसका स्पार्क प्लग खोल के साफ़ कर लो, 15000 पे चेंज कर लो, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करो, एयर फिल्टर जेन्युइन डालो। इसके अंदर भी हमने किट लगाया, गाड़ियाँ और आ रही हैं। चलो अब इसको सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है, आइए। सो टुडे आई 3 नेक्सॉन, ये पहला नेक्सॉन है, दिस इज़ BS4। एक बार सर से पूछते हैं, मतलब हमने काफ़ी अभी 8-10 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, कैसा चल रहा है? अच्छी चल रही है सर, नॉर्मल जैसे पेट्रोल पे चलती है वैसे ही परफॉर्मेंस आ रही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। फिटिंग इज नाइस, फिटिंग इज पता भी नहीं चल रही है कि CNG लगी हुई है, सो इट इज़ वेरी नाइस। चलो जस्ट होल्ड ऑन, वी हैव सम मोर नेक्सॉन, उनका भी रिव्यू मैं लेके दूंगा मैं। सो दिस इज नेक्सॉन नंबर 2, ये BS6 है और इसमें भी मोटरसाइकिल का किट लगाया विद ऑल एक्सेसरीज। एक बार भाई से पूछता हूँ कैसा है भाई? बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये पेट्रोल में चल रही है, मतलब कि मैं तो नीचे देखा भी कि कहीं पेट्रोल में तो नहीं चल रही है, मतलब मोड सारे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड लगाते ही ऐसे ही गाड़ी उठ रही है, जैसे ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बिल्कुल पता नहीं लग रहा, एकदम बिल्कुल अच्छा, एक नंबर काम किया। और फिटिंग कैसा है? बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल कंपनी जैसी फिटिंग है, बिल्कुल आ जाओ, सफाई से सारा, बिल्कुल सफाई से। अब गैस जैसे डलवा रहे थे साइड पीछे से, हाँ गैस पीछे से डल रही है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बार बार बोनेट नहीं खोलना पड़ रहा, हाँ वो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एक तो बोनेट थोड़ा ऐसे ना इनकन्वीनियंस होती है बार बार खोलने में, उठने में, हाँ उसमें बहुत बढ़िया काम किया आपने, पीछे वो लगा, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल थैंक यू। कहीं नहीं जाना, एक तीसरे ही नेक्सॉन मैं CNG डलवाया था, उनका एक पाइप लीक कर गया था तो उनको भेज दिया था मैंने टाइट करने के लिए, सेटिंग मैं कर दिया था, अगर वो भाई साहब मिलते हैं तो उनका भी रिव्यू लेके देता हूँ मैं। ओके